हेलो वन मैनी मिथिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 21 तारीख को दो फिल्में रिलीज होने वाली है। एक है हमारे सलमान भाई की पिक्चर, नाम है किसी का भाई किसी की जान, और उसी के साथ में एक पैन इंडिया बंगाली पिक्चर रिलीज होने वाली है जिसका नाम है चेंगिज। आज हम बात करेंगे चेंगिज वर्सेस किसी का भाई किसी की जान, लेकिन उसके पहले एक गाना आया है चेंगिज का जिसका नाम है रगड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में है ओहो फुल स्टाइल मारा है हमारे चेंगिज भाई का, इतनी बॉटल फेंक दी इसने, अच्छी खासी बॉटल फेंक। हमारे साथ में हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू एंड समृद्ध, और मैं आपका रिपोर्टर दिग्विजय। शुरुआत करूंगा मैं हमारे फर्स्ट शेयर मुंबई गोलू के साथ में रगड़ा। कैसा लगा गाना? हिंदी में सुना है, मीका ने गाया है। यार गाने की बात करें यार, फुल टॉप नॉच सॉन्ग था कि मतलब सुनने के बाद आप अगर खाना खाने बैठे तो आप प्लेट बाजू में रखोगे और नाचने जाओगे ऑन द फ्लोर। वो वाला गाना है। ये होता है ना शादियों में कि हम खाते रहते और कोई हमारा हाथ खींचता है, हमें बोलते नहीं यार खाना खा रहे, तुम प्लेट खुद रखोगे और नाचने जाओगे, ये वो वाला गाना है। कहीं पे भी रहोगे ना, ये वो गाना है कि जो नचवा के ही छोड़ेगा। और मीका सिंह का आवाज़ यार आउटस्टैंडिंग। मीका सिंह जब भी गाना गाते हैं ना, फाड़ देते, कान फाड़ देते और वो भी फाड़ देते, तो मज़ा आ गया है कि गाना है एकदम कैची है, नचाने वाला गाना है, एनर्जेटिक है कि भाई आओ नाचो, पैरों में जान लगा के नाचो और पूरे गाने की एंड तक नाचो। और जीत दा का क्या बात करूँ, वो जो एक टेक में जो लास्ट में उन्होंने जो स्टेप्स किए ना, माय गॉड आउटस्टैंडिंग था, बहुत मार्वलस था। वो सीन देखने लायक है पूरे गाने में, कि मेरे को नहीं लगता आज के टाइम में बहुत ऐसे कम डांसर्स है, बॉलीवुड बोलो या बाकी इसमें भी बोलो, जो वन टेक में पूरा एक शॉट देते हैं डांस का। ऋतिक सर हुए, टाइगर है, और भी बहुत हैं डांसर जो वन टेक में, नाचो वाले भी नाचो नाचो भी है ग्लोबल स्टार्स रामचरण एंड जूनियर एनटीआर सर, लेकिन ऐसे बहुत से कम एक्टर्स है जो वन टेक में देते हैं। और अभी रिसेंटली राइजिंग में तो देख सकते हैं कि कार्तिक आर्यन सर भी है जो वन टेक में शायद कंप्लीट कर ही देते बहुत से हुक स्टेप्स वगैरह, लेकिन इनका भी ये बोलते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, होल्ड माय बियर मैं भी आ रहा हूँ, बियर नहीं होल्ड माय शैम्पियन, शैम्पियन खोला है गाने में माँ कसम, और खुद पिया नहीं है, क्यों बताना भी ना, ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो हम पीते नहीं हम पिलाते हैं सब, और सिर्फ लड़कियों को पिलाए चेंगिज भाई ने। चलिए आता हूँ हमारे समृद्ध के पास में। थर्ड एंड कैसा लगा ये रगड़ा गाना? ये रगड़ा मतलब पूरा रगड़े रगड़ा पूरी लगा मेरे को यार, मतलब एकदम जबरदस्त, मतलब जिस तरह से आपने जीत भाई ऐसा करके एकदम, अरे बाप रे बाप, अरे क्या 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 स्टेप था वो यार। और भाई सिंगिंग सिंगर भाई मीका सिंह, इन्होंने कान फाड़ा, मैं तो बोला गान फाड़ दिया भाई इसने, अरे अरे धमाल। मतलब जो आवाज मतलब जिस तरह से आपने जीत दा के ऊपर जो सूट कर रहा है, जो कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट है भाई। शबीर अहमद जिन्होंने हिंदी लिरिक्स लिखे, मजा आ गया। और पहली बात जब वो 35 सेकंड का जो उनका हुक स्टेप, अरे शपथ भाई सबसे बड़ी सिटी मेरी बजेगी भाई थिएटर में। आग लगा दी जीतने उस वाले हुक स्टेप पे। बोलते ना आज सरजी जिद्दा को, मैं बोलूंगा जिद्दा एक ही दिले कितने बार जीतोगे सर। पसंद आया। चलो हमारे मुंबई के दोनों इडियट को गोलू और समृद्ध को ये वाला गाना रगड़ा, और मेरे को भी काफी पसंद आया जो हुक स्टेप दिया 35 सेकंड्स इन्हें हमारे भाई ने सेकंड्स। अभी हम बात करेंगे चेंगिज वर्सेस किसी का भाई किसी की जान, सलमान के साथ में बंगाल के सलमान का टक्कर होने वाला है। हाँ जी सर, क्या बोलना चाहेंगे हमारे फर्स्ट इडियट मुंबई गोलू? देखो भाई कंपैरिजन तो करना नहीं, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ रहा है क्योंकि आई थिंक सो ये दोनों क्लैश हो रहे शायद कुछ ही सर्कमस्टेंस डेट्स में आए ऑन सेम डेट में। और देखो सलमान भाई तो सलमान भाई है, हमेशा हमारा दिल उनके पास रहता है, भले देखो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए थोड़ा मजाक कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन देखो पहले से ही सलमान भाई दिल में रहे हमेशा रहेंगे। लेकिन अब की बार जो है ना किसी का भाई किसी का जाना है, ट्रेलर उतना प्रॉमिसिंग हमको नहीं लगा। देखो हम काफ़ी सारे लोगों का मिक्स मिक्स रिस्पॉन्स आया, क्योंकि देखो हम ऐसा नहीं कि हमारी बात सुनो, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग है, और सबके ओपिनियन को मैं खुद पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये भी बोलूँगा कि अगर किसी का ओपिनियन है तो उसको बैकफायर मत कीजिए, उसके भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सबके कोई अलग एक्सपेक्टेशन से देखता है और समझता है। और रही बात चेंगिज की, कि वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेलर आया और कुछ कंटेंट आया और अचानक से जीत दाए और मज़ा आ गया। ओके और बोल सकते कि चेंगिज आई थिंक सो मे बी, ये अगर कॉन्टेस्ट हुआ तो शायद आई होप सो कि चेंगिज हमारे जीत बॉस जीत जाएंगे, शायद ये बार जीत जाएंगे, जीत सकते okay. ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि किसी का भाई किसी का जाए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम दैट थिंग, क्योंकि ट्रेलर वॉज नॉट प्रॉमिसिंग। दाव दाव लगाया हमारे फर्स्ट ईयर मुंबई गोलू ने जीत दाव पे। ओह माय गॉड, चलिए आता हूँ आपको क्या कहना है।
चेंगिस वर्सेस किसी का भाई किसी की जान। लेकिन अभी मैं कंपैरिजन के बारे में बात करूँ तो कंपेयर तो मैं नहीं करूँगा, बट यस मैं ये फिल्म दोनों देखूँगा, इतना कन्फर्म है मेरा। ओके, बट चेंगिस एक ऐसी फिल्म है कि जो बंगाली की पहली पैन इंडिया फिल्म में हम लोग पहली बार ऐसे हम लोग जीत दा को बड़े पर्दे पे देखना, मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन जब सलमान खान आए तो रुकते नहीं है, थकते नहीं है, क्योंकि एक ऐसा हो गया है कि शेर और लायन में टक्कर होने वाली है। ओके, टाइगर वर्सेस लायन, टाइगर वर्सेस लायन, क्योंकि अपना शेर, अपना देखो अपना शेर है तो सलमान खान ऑफ कोर्स उनको, उनको बॉलीवुड का लायन मींस सलमान भाई और बंगाल का टाइगर यार। नहीं 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 नहीं, बंगाल का टाइगर नहीं, अभी बंगाल को लायन बोलूंगा क्योंकि वो लायन का लुक में ही आया है भाई। और उन दोनों में झड़प हो गई ना तो कसम से बताता हूं थिएटरों में आग लगने वाली है भाई। क्योंकि देखो किसी का भाई किसी की जान के लिए भाई, मैं तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया है भाई मैंने तो, मैं उनसे ऐसा एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया जैसा मैंने एक्स को छोड़ दिया हो। ओके, वैसे ही छोड़ दो, लेकिन मैं चेंगिस से मैं एक्सपेक्टेशन रखा हूँ क्योंकि भाई पहली बार बंगाली की फिल्म है यार। yes. तो थोड़ा एटलीस्ट सोच सकते कि भाई अच्छा पिक्चर निकलेगा, अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान के लिए भाई मेरे को तो अभी नहीं लगता भाई मैं वो झेल पाऊंगा। वो किसी का भाई भाई तो अपना है, जान हमारी वो ना ले ले भाई। okay. थोड़ा सा ट्रेलर से हमारे मुंबई की थ्री इडियट्स थोड़े डिसअपॉइंटेड है। हाँ यार, किसी का भाई किसी की जान से, लेकिन ये गाना पसंद आया, गाना पसंद आया, गोलू ने दावा लगा दिया जीत भाई पे, चेंगिस चेंगिस पे दावा लगा दिया कि थोड़ी सी बेटर हो सकती है पिक्चर। लेकिन ये हमको मालूम पड़ेगा 21 को, 21 जब पिक्चर रिलीज होगी ईद पे, और दोनों पिक्चर का हम हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स से जरूर रिव्यू लेके आएंगे आपके लिए। पब्लिक बहुत भरोसा करती है आप तीनों के आवाज पे, बाप रे। yes, उसके बाद ही मैं तो यही कहूंगा कि लोग डिसाइड करते पिक्चर देखनी है नहीं। जरूर जरूर यार, थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ लव, और हमेशा रखिए क्योंकि जो ऑनेस्ट होगा वही आपके सामने हमेशा हम पेश करेंगे, क्योंकि हमारा रिव्यू अच्छा अच्छा नहीं, हमेशा सच्चा सच्चा रहता है। आएंगे आप सभी के पास में 21 तारीख को। धन्यवाद, थैंक यू।